मोगा में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बड़ी वारदात। जी हां, आज दिन दिहाड़े एक मनी एक्सचेंजर की दुकान पर जाकर चार हथियारबंद लोगों ने मनी एक्सचेंजर मालिक की जमकर पिटाई की और वहां पड़े हजारों रुपए को लूटने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल जख्मी मनी एक्सचेंजर के मालिक को मोगा के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीती 14 तारीख को एक शोरूम मालिक की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी और 17 तारीख को भी ट्रैक्टर पर जा रहे एक युवक को तीन लोगों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग कर जख्मी किया गया था। उधर जख्मी ने बताया कि चोरों के हाथ में रिवॉल्वर थी जब उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू किया था। उसने बताया कि उसे कुछ होश नहीं था और वहां से क्या लेकर गए हैं यह भी उसको नहीं पता है। आजाद टीवी न्यूज के लिए मोगा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जाके बैठा कस्टमर है, उन्होंने तुरिया जो पैन कार्ड लैन गया जी, दो मुंडे अंदर आए हैं, कीमत लेनी है, वो दो होर आ गए हैं, रिवॉल्वर जो कढ़ दे, उसके बाद वो सत्त सपाही हुए हैं, सारी सीसीटीवी फुटेज है। मैंने हम ज़्यादा पहचान तो है नहीं, शायद मैं दोबारा देखा सी फुटेज तो मेरी पहचान चाह रही, शायद मैं कोई पहला बंदा आया। किन्ने जने सी? चार या पाँच जने। हथियार भी सी उन्होंने कोल? हाँ। किहड़े हथियार? सीसीटीवी फुटेज सारे में रिवॉल्वर है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ।